Good morning, students. Welcome to another online pure science class. Today again we are moving towards the same chapter, that is Cold War era. The other day I have started the class and I have told you the story of the how Cold War began, how Second World War has winded up, and it led to the beginning of Cold War. And the Cold War is between whom? The Cold War is between two superpower countries, that are US and USSR. Because after the Second World War, these two countries emerged as a superpower in economic terms, political terms, diplomatic terms, cultural, and etc., etc., etc. So they were being treated as a superpower on that era. Okay. Now these two superpower countries, US and USSR, they became superpower, no doubt. But how long? How long they can remain superpower? How long they can be treated as superpower by the other countries? And why they will treat this country as a superpower for a long time? There are so many questions. Okay. So these superpower countries, they could not stand by alone for a long time. So they also needed some support. Okay. So is dwaran unhone kya kya, they have came to an फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ स्मॉलर कंट्रीज. अभी ये सुपर पावर बन गए, अभी इनको और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए था फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, एक टाइम वो खुद से अपने आप जी लेंगे, खुद से सब कुछ वो अपना अपने पास सब कुछ है तो अपने आप को संभाल लेंगे. बट फॉर हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग टाइम? तो उन्होंने क्या किया, दे हैव नीडेड एन एलिस, ALLIES, एलिस. ये शब्द आपके लिए न्यू हो सकता है. So they needed allies. So they have went up and they have tried to get the support of the smaller countries. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस कोल्ड वॉर के दौरान दे हैव वेंट अप एंड दे हैव ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द स्मॉलर कंट्रीज. दे नीडेड allies. ओके, तो क्या क्या उन्होंने, यूएसएसआर एक ब्लॉक हो गया और यूएस एक ब्लॉक हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है दो एरिया. देखो आप, यहाँ पे मैंने बनाया है, अभी हम जो पढ़ेंगे जो एरिया वो है इमर्जेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो दो एरिया जो बन गया है, वहां पे एक है वेस्टर्न अलायंस और एक है ईस्टर्न अलायंस. ठीक है, अभी जो वेस्टर्न अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस क्योंकि वेस्ट में गिरता है यूएस, एंड यूएस के साथ जो भी कंट्री मतलब उस एरिया में गिरता है, तो सब कुछ बन गए वेस्टर्न अलायंस. तो वेस्टर्न अलायंस का और एक नाम, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, यूएस ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उस दौरान, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिरा है नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में. By 12 members, it was created at the beginning by 12 members, and the leader of that NATO was US. ठीक है, तो ये जो एली एली खोजते खोजते उन लोगों ने ग्रुपिंग किया. ठीक है, उन्होंने फ्रेंड्स बनाया, तो एक सोच लो कि फ्रेंडशिप ग्रुपिंग होता है, तो उस तरह से उन्होंने कंट्री को मिला के एक फ्रेंड ग्रुपिंग किया उन्होंने, और उस ग्रुपिंग का नाम बन गया नेटो. उसका और एक नाम है वेस्टर्न अलायंस. ठीक है, तो उसमें मैंने कंट्रीज का नाम लिखा, यूएस, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा, बहुत सारा कंट्री और भी शामिल हुआ उसमें आके. हाँ, तो फर्स्ट में इनिशियल में 12 था मैंने जो बोला आपको. तो ये जो कंट्री है, ये सब कुछ कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, सब कैपिटलिज्म फॉलो करता है. ठीक है, ऑन द अदर साइड, और जो यूएसएसआर ने जो और फ्रेंड्स बनाए है और एलिस बनाया, तो उसको जो है, व्हाट आर दे आर ईस्टर्न अलायंस और वार्सो पैक्ट. ठीक है, तो यूएसएसआर हैज मेड एन ऑर्गेनाइजेशन, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वार्सो पैक्ट, द ईयर इज 1955. तो उसमें बहुत सारा कंट्री है, जैसे मैंने नाम लिखा है यूएसएसआर, हंगरी, पोलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें जो ये जो ईस्टर्न अलायंस है, दे बिगेन टू बिलीव ऑन विच आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. तो एक है कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक है कम्युनिस्ट ब्लॉक, एक है ईस्टर्न अलायंस और नेटो, एक है वेस्टर्न अलायंस और नेटो, एक है ईस्टर्न अलायंस और वार्सो पैक्ट. सो द होल ऑफ द यूरोपियन कंट्री इन दैट टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ ब्लॉक और एन एरिया, एक डिवाइड हो गया पूरा पूरी.
सम कंट्रीज वेंट विद यूएस, सम ऑफ द कंट्रीज वेंट विद यूएसएसआर, ठीक है। एंड इसमें भी एक इशू था, अभी जो बिग कंट्री था उनको क्यों सपोर्ट चाहिए था, और स्मॉलर कंट्री जो था उनको भी बिग कंट्री का सपोर्ट चाहिए था, दोनों का बेनिफिट चाहिए था, ठीक है। तो मैंने दो बेनिफिट लिखा है यहाँ पे, आप देखो, स्मॉलर स्टेट्स गॉट द बेनिफिट ऑफ सुपर पावर्स, ठीक है। तो क्या बेनिफिट उनको मिला, स्मॉलर स्टेट्स को क्या बेनिफिट मिला फ्रॉम द सुपर पावर्स, जैसे कि प्रोटेक्शन, हर तरह का प्रोटेक्शन, इफ दे गो एंड टर्न अप एंड ज्वाइन अप एनी अलायंस तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा डिफरेंट कंट्री के अगेंस्ट में, ठीक है। फिर वेपन्स, उनको वेपन सप्लाई मिलेगा, बहुत उस दौरान बहुत सारा कंट्री जो था दे हैव स्टार्टेड ए न्यू रेंज, न्यू इमेज लेके वो लोग खड़े हुए हैं। तो जिक्री सुपर पावर ने न्यूक्लियर पावर बना दिया, आर्म्स एंड एमोनाइजेशन खड़ा करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके कारण बहुत सारा जो कंट्री और भी स्मॉलर कंट्रीज है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बनाया पर स्मॉलर और भी वेपन्स खरीदने लगे वो लोग, तो उनको एक मार्केट मिल गया उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एड्स, हर तरह का इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलने लगा फ्रॉम सुपर पावर कंट्रीज। तो ये था स्मॉलर कंट्रीज का बेनिफिट। अभी सुपर पावर का बेनिफिट यहाँ पे देखो क्या है, सुपर पावर ट्रीटेड स्मॉलर स्टेट एज पॉन्स इन द गेम ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, उन्होंने उनको पॉन की तरह, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा पॉन, PAWNS, पॉन्स। अभी पॉन्स का मतलब क्या होता है कि दे हैव बीन, दि स्मॉलर कंट्रीज हैव बीन ट्रीटेड एज ए थर्ड ग्रेड कंट्री बाय द सुपर पावर कंट्रीज, कि जब जिस तरह से चाहा उन्होंने इसका, ये सब कंट्रीज स्मॉलर कंट्रीज को उन्होंने इस्तेमाल किया है, यूज किया है उन्होंने फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। और भी बहुत कुछ बेनिफिट उन्होंने, खाली ये पॉन्स ये शब्द यहाँ पे खाली ये नहीं है, और भी था, और भी बहुत सारा बेनिफिट्स के कारण सुपर पावर ने स्मॉलर कंट्रीज का हेल्प लिया, ओके। वो सब क्या था यहाँ पे मैंने लिखा थोड़ा सा देखो आप, सुपर पावर्स नीडेड एलिस एंड यूज्ड स्मॉलर स्टेट्स फॉर, क्यों उन्होंने एलिस बनाया और क्यों उन्होंने स्मॉलर कंट्रीज का हेल्प लिया, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, स्मॉलर जो कंट्रीज है ये बहुत सारा कंट्रीज में ऑयल रिसोर्सेज था, पेट्रोलियम था, मिनरल्स था, बहुत सारा ये सब रिसोर्सेज के कारण उनको एक मार्केट मिला उनके सारा, या फिर उनको जो वहाँ पे जाकर उन्होंने थोड़ा कम दाम से कम रेट से उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि ये एली था, उनका फ्रेंडली कंट्री था तो उनको खरीदना बहुत ईजी था उनके लिए, ठीक है। टेरिटरी वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च वेपन्स ट्रूप्स, उस टाइम में क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना स्टार्ट किया सुपर पावर कंट्री ने, तो उनको एक एरिया चाहिए था, एक लोकेशन चाहिए था जहाँ पे वो लोग बहुत सारा ट्रायल दे सके, बहुत सारा टेस्टिंग कर सके। तो स्मॉलर कंट्रीज को उन्होंने एक जरिया बनाया जहाँ से उन्होंने ट्रूप्स और वेपन्स का उन्होंने लॉन्चिंग किया, उन्होंने ट्रायल दिया, उन्होंने इस सिस्टम को खड़ा किया और स्मॉलर कंट्रीज के फील्ड में जाके, स्मॉलर कंट्रीज के जगह पे जाके उन्होंने, ओके। तो इसके कारण उन्होंने इसको भी यूज किया है। नेक्स्ट, लोकेशन फॉर स्पाइंग, तो स्पाइंग जासूसी करना, बिकॉज दे आर सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, बोथ द सुपर पावर वेयर सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, तो इसके कारण बहुत को दोनों को निगरानी रखना जरूरी था। तो बिकॉज ऑफ देयर थिंग दे स्टार्टेड स्पाइंग टू ईच अदर थ्रू द स्मॉलर कंट्रीज, स्मॉलर कंट्रीज का हेल्प लेके उन्होंने स्पाइंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। और नेक्स्ट, फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट और मिलिट्री एक्सपेंसेस, जैसे कि इकोनॉमिक सपोर्ट पे मैंने लिखा है बहुत सारा फाइनेंशियल उनको बहुत सारा हेल्प मिला है, ठीक है। और जैसे कि नेटो और वार्सो पैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम में, तो जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्मॉलर कंट्रीज घुसे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डोनेशन दे के, थोड़ा थोड़ा मिलिट्री जो आर्मी मैन दे के वो एक सपोर्ट मिलेगा उनको, तो इसके कारण भी उनको ये चाहिए था कि ये लोग घुसे वहाँ पे एलिस मनाए तो हम जो है हमारा भी एक रुतबा बन जाएगा, हमारा भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर आ जाएंगे और हम भी इन स्मॉलर कंट्रीज को लेके हम उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, हम उनका यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो बोथ द सुपर पावर्स हैव ट्राइड टू हैव एलिस और बिल्ड अलायंस सिस्टम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, तो अगर ये बहुत इजी है समझना, आप समझ सकते हैं, होप सो कि ये अलायंस सिस्टम, क्योंकि ये अलायंस और एलिस जो दो शब्द है ये न्यू आया आपके लिए, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कोल्ड वॉर के दौरान सुपर पावर्स टू कीप स्टैंड बाय देमसेल्व्स, ओके, दे हैव नीडेड सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग अप अलायंस
सिस्टम एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेटो एंड वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये था सेकेंड पार्ट जहां पे हमने पढ़ा है कौन सा इमर्जेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स, टू पावर ब्लॉक्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।